मैं बात कर रहे हैं मशहूर राइटर फिल्म लेखक धीरज मिश्रा जी से। तो धीरज जी बताइए कि आपने अपने सफ़र की शुरुआत कैसे की? पहले तो आप सबको नमस्कार। मेरी सफ़र की शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से ही हो गई थी। जब मैं क्लास सिक्स में पढ़ा करता था तो मेरी लिखी हुई कहानियाँ मैगजीन्स में आया करती थी, लेकिन व्यावसायिक रूप से इसको सबसे पहली पहचान तब मिली जब मैं क्लास एट में आया, और उस समय मेरी एक लिखी हुई कहानी शांति, वो 93 में कोलकाता में एक बम विस्फोट हुआ था और वो वहाँ के अगवाज अखबार में छपी और मुझे 50 रुपये पारिश्रमिक मिला। तो उस 50 रुपये ने मुझ में ये आस जगाई कि मैं भी आगे चल के एक लेखक बन सकता हूँ। फिर कॉलेज के दिनों में मैंने इप्टा के लिए काफ़ी प्ले लिखे, करीबन 200 नाटक लिखे, और उसके बाद मैंने उपन्यास लिखे कई सारे, जिसमें से पतझड़ और बहार, खामोशियां हैं ये काफ़ी है, काफ़ी सारे नाटक लिखे। उसके बाद मेरा मुंबई आना हुआ और मुंबई में मेरी मुलाकात जावेद अख्तर जी से हुई, और जावेद अख्तर जी से तो मेरा काम नहीं बना, लेकिन कैफी आजमी साहब ने मुझे प्रेरणा दी कि मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, और मैंने अपना पहला उपन्यास निर्मला पढ़ा। उसके बाद फिर बी आर इशारा, कई सारे निर्देशकों के संपर्क में आया। कुल मिला के 17 साल का मेरा संघर्ष है, और पहली फिल्म जो है वो मैंने लिखी जय जवान जय किसान, जो कि अभी 2015 में रिलीज हुई थी। वो फिल्म कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल पूछा गया कि वो कौन सा शख्स है जिसने दहेज में चरखा और सूट मांगा था, तो वो एक क्वेश्चन ने मेरे अंदर ऐसी इंस्पिरेशन पैदा की कि मैंने लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर पूरा रिसर्च ही कर रहा, और वो पहली फिल्म जय जवान जय किसान बनी। इसके बाद पूना के क्रांतिकारी भाइयों पर चापेकर बंधु बनी, और बंगाल के क्रांतिकारी पर खुदीराम बोस अभी बन रही है, जो 2017 के अंत में रिलीज होने वाली है। और फिलहाल अभी गालिब कश्मीर समस्या से जूझते हुए युवक की कहानी है, उस पर काम चल रहा है। धीरज जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप जिस समय मुंबई पहली बार आए थे, उस समय आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जब हम शुरुआत में बम्बई आते हैं तो हमारे अंदर बहुत उत्साह होता है, और वो उत्साह होता है कि एक दिन शायद हम अपना एक मुकाम बना लेंगे। तो उसमें जो तकलीफें होती है वो आदमी उन तकलीफों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, और मुंबई आने के बाद जो सबसे पहली समस्या होती है छत की और खाने की समस्या, वो मेरे साथ नहीं थी चूँकि मेरी बहन यहाँ रहती थी। बाकी चूँकि मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से था तो मेरा जो संघर्ष जो है वो करीबन करीबन आप मान के चलिए कि 10 से 12 सालों का था, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज की समझ नहीं होती है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। दूसरा, हमारे ज़माने में जब जो समय था वो इतना डिजिटल नहीं था, आज का ज़माना बहुत डिजिटल हो गया, लोग ईमेल फेसबुक से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, तब ऐसा नहीं था, तब जाके आपको ऑफिस ऑफिस मिलना पड़ता था, और उसी के बीच आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती थी, लोगों को यह बताना पड़ता था कि आप लिख सकते हैं। और दूसरी एक समस्या ये थी कि मैंने कभी फिल्म के लिए नहीं लिखा था, ना मैंने कोई फिल्म का कोर्स किया था, तो जितनी भी चीज़ें मुझे आती थी वो मुझे साहित्य से पता था, लेकिन बाद में उसी साहित्य में मेरी बड़ी सहायता। धीरज जी, इंडस्ट्री में नकारात्मक लोग काफ़ी हैं, निगेटिव लोग काफ़ी हैं, क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, और अभी तो हाल ही में नेपोटिज्म के बारे में भी काफ़ी बातचीत हुई, तो थोड़ी आप रोशनी इस मुद्दे पर डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, चाहे क्रिटिसिज्म हो, नेगेटिविटी हो या नेपोटिज्म हो, जब से दुनिया आई है तब से है, आप अगर कोई काम करने के लिए चलते हैं, आप जब तक सफल नहीं हैं तभी तक सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो हमेशा आपको आगे पुश करने में हेल्प करती है, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं कि अभी आप में और गुंजाइश की ज़रूरत है। वैसे तो आप कहा जाता है कि हमेशा कोई आदमी सबको खुश नहीं रह सकता, लेकिन हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि हम सबको खुश रह सकें, ताकि जो उनकी निगेटिविटी है पॉजिटिविटी में बदल जाए। और नेपोटिज्म शुरू से चला
चला आता रहा है पृथ्वीराज कपूर के ज़माने से, अलग अलग वी शांताराम के ज़माने से, जिन्होंने फिल्मी दुनिया की नींव रखी, और हमेशा ये लाइन नए लोगों के लिए एक अछूती दीवार बनी रहती है, जिसमें नए लोग आते हैं अपने संघर्ष और प्रतिभा पे उसको तोड़ के गिराते और अपनी एक नया मुकाम बनाते हैं, और उनके पीछे से जो उनके परिवार के लोग जब आते हैं उनकी सहायता से, तो लोग बोलते हैं कि ये नेपोटिज्म है। तो ये हर मेरे हिसाब से हर विभाग में है, लोग जहाँ जमे हुए हैं ज़रूर अपने जानने वाले लोगों को मौका देते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बस थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके कोई भाई भतीजा आपके सामने कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसको मौका देना चाहिए, न कि अपने भाई भतीजा। धीरज जी, ज़िंदगी में तो संघर्ष होता ही है, लेकिन आपके अनुभव में ऐसा कोई वक्त आया था जो बहुत ही बुरा समय आप जिसको मानेंगे या बैड पैच उस समय को आप मानेंगे, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे तरह से संभाला, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, जब कोई वक्त बीत रहा होता है तभी उसका एहसास बुरे का होता है, जब वो बीत जाता है तो शायद उस पर हंसी आती है और आपको लगता है कि अच्छा ये वक्त भी बहुत ज़रूरी था, वो ना होता तो ये ना होता। वैसे तो कई समय आए, लेकिन मुझे कई बार मुंबई से जाना वापस जाना पड़ता था, क्योंकि मैं जो पैसे वहाँ बच्चों को पढ़ा के धनबाद में यहाँ लाता था तो पैसे यहाँ ख़त्म हो जाते थे, तो जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो आप संघर्ष कैसे करिए, तो मुझे यहाँ से कई बार वापस जाना पड़ा। और एक बार ऐसा लगा कि शायद मैं वापस यहाँ आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि घर परिवार से भी काफ़ी दबाव था, मुझे लगने लगा था कि ये शायद मेरा आखिरी मौका है, इसके बाद मैं बम्बई कभी आ नहीं पाऊँ। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी पहली फिल्म जय जवान जय किसान बन गई। मुझे लगता है जब आप सबसे ज़्यादा हताश सबसे ज़्यादा निराश होते हैं उसी वक्त एक आशा की किरण आती है और शायद आपकी गाड़ी चल रही है। धीरज जी, आप राइटर हैं, लेकिन राइटिंग के अलावा भी आप पहले कौन सा काम करते थे, और अभी साथ ही साथ आपको किन किन चीज़ों में रुचि है, और कैसे आप अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं? मुझे राइटिंग से पहले मैं एक शिक्षक था, और ये बहुत लोगों को हैरानी होती है कि मैं गणित का विद्यार्थी होके हिंदी में लिखता हूँ, और मुझे पढ़ाना आज भी बहुत अच्छा लगता है, मैं कई जगह गेस्ट लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, अब चूँकि समय का अभाव होता है तो अब जाना संभव नहीं होता है, तो मुझे पढ़ाना और लिखना यही दो चीज़ पसंद है, और जब भी मेरे पास खाली वक्त होता है तो मैं किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। मेरे पास 10,000 से ज़्यादा किताबें हैं, और कभी कभी पुराने दिनों को याद करता हूँ तो लगता था पहले वो किताबें खरीद नहीं पाता था, लेकिन तब वो बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि लाइब्रेरी में हम जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हम करते थे, किताबें ढूंढते थे। अब समय का अभाव होता है, और चूँकि हम किताब खरीद सकते हैं तो जो किताबें हमें अच्छी लगती हैं वही खरीदते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ना छूट जाता है जिन्हें पढ़ना चाहिए। अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पसंद करता हूँ। और धीरज जी, जाते जाते जो भी हमारे दर्शक हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी जिस भी फील्ड में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आप किस तरह के एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से नेगेटिविटी पॉजिटिविटी या न्यूट्रलिटी बनाते हुए बैलेंस बना के लाइफ में आगे बढ़े? मेरा ये मानना है कि आप जिस भी फील्ड में हो, न्यूज़ में हो, अखबार में हो, फिल्म में हो, या कैमरा मैन हो, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, आप हमें ये कहना बहुत आसान होता है कि आप पॉजिटिव बने रहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रही। जब आपके पास काम नहीं होता, काम नहीं बन रहा होता, तो चाहे आदमी जितना भी पॉजिटिव हो उसके अंदर नेगेटिव विचार आते ही आते हैं। ऐसे समय में आप जो अपना सर्कल है वो सर्कल जो बहुत हेल्थी बैठे, अगर आप न्यूज़ से जुड़े हैं तो न्यूज़ वालों से जुड़े रहिए, फिल्म मेकर हैं तो फिल्म मेकर से जुड़े रहिए। ये जब आपके पास काम नहीं होगा तो भले ही काम आपको नहीं देंगे, लेकिन ये हौसला देंगे कि अभी आपकी ये कमी है, आप उसको दूर करिए, या आपका भी वक्त आए। तो अपने आसपास का जो आपका वातावरण होना चाहिए हमेशा हेल्दी होना चाहिए, जिस काम से जुड़े हुए उन्हीं लोगों से ज़्यादा दोस्ती रखें, और या जिनको उनकी समझ हो, और हौसला नहीं हारें। एक टाइम आता है कि आपकी जितनी भी कमियां हैं वो सब लोगों को अच्छाई में बदल जाती हैं, लेकिन आपको उसका इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी इस इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद।